गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको स्नैपचैट ओपन कर लेना है, तो चलिए ओपन करते हैं स्नैपचैट को। तो सिंपल आपको ओपन करना है, उसके बाद आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो प्रोफाइल बनी आ रही, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको राइट साइड में कोने में देखोगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, वहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सर्च करना है सपोर्ट। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको सर्च करना है सपोर्ट का। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं सपोर्ट में आ चुका हूँ। सपोर्ट में हम नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है आई नीड हेल्प है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना आई नीड हेल्प पर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आना माय अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप देखोगे चौथे नंबर पे आ रहा है डिलीट माय अकाउंट, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है डिलीट माय अकाउंट पर। उसके बाद ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस अगर आप लोग चाहते हैं उसको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको करना है अकाउंट पोर्टल लिखा आ रहा है ब्लू कलर में, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर लिखा आ गया डिलीट अकाउंट, तो ऊपर तो लिखा रहा है यूज़र नेम और नीचे आ रहा है पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर लिखा गया अकाउंट डीएक्टिवेटेड, तो मेरा अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है डीएक्टिवेट करने के बाद आपको 30 दिन तक लॉगिन नहीं करना, उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। गाइस अगर आप 30 दिन से पहले लॉगिन कर लेते हो तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद 30 दिन तक आप लॉगिन नहीं करना है, उसके बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।